नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, नाला सुपारा के पश्चिम से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां नाला सुपारा पश्चिम के गास टाकी रोड के क्षेत्र में एक कुएं की सफाई के दौरान वहां मानव खोपड़ी मिली, जिससे क्षेत्र में सनसनी का माहौल पैदा हो गया और भय का माहौल पैदा हो गया। स्थानिकों द्वारा जो जानकारी मीडिया को दी गई, उसमें बताया गया है कि गास टाकी रोड पर स्थित जो बावड़ी या कुआ जो है, इसकी सफाई के लिए वहां कुछ युवक उतरे थे और उन युवकों को सफाई के दौरान एक थैली मिली, जिस थैली को जब खोला गया तो उसमें खोपड़ी थी, मानव खोपड़ी, जो पूरी तरह से साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस घटना की जानकारी पर क्षेत्र में सनसनी फैली और क्षेत्रवासियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। बाद में मौके वारदात पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने खोपड़ी को अपने कब्जे में लेकर आगे इसकी जांच के लिए भेज दिया। अब सवाल यह है कि खोपड़ी किसकी है, किसी आदमी की है या किसी औरत की है? ये खोपड़ी यहां आई कैसे? किसी को कहीं और मारकर यहां लाकर फेंका गया है? कई सवाल है, जिसके सवाल आगे इस मामले की जांच पड़ताल के दौरान खुलने के आसार हैं, जिसके लिए अभी समय लगेगा, इंतजार करना होगा। फिलहाल आज ये जो घटना सामने आई है, ये घटना है मंगलवार दोपहर की, जब उस बावड़ी की सफाई की जा रही थी। सुनिए, इस बावड़ी की सफाई के दौरान जब ये खोपड़ी निकली, तब वहां मौजूद प्रत्यक्ष दर्शियों ने क्या कुछ कहा, आगे वीडियो में सुनिए। नमस्कार। आज टाकीपाड़ा का ये जो बावड़ी है, वहाँ पे एक खोपड़ी मिला, कितने बजे का हो गया और कैसा हुआ? ये दोपहर में 2 बजे के टाइम एरिया में बावड़ी में पानी खत्म हो गया, तो पानी बावड़ी साफ करने के लिए हम लोगों ने लड़कों को बुलाया था। गांव के लड़के आके साफ कर रहे थे, उनको थोड़ा बहुत कचरा वगैरह कीचड़ वगैरह साफ करते करते एक थैली में, ब्लू कलर की थैली होती, उसमें मिला। वो खोपड़ी थी, वो किसका था अभी पता नहीं, इंसान का ही था, लेडीज जेंट्स उन्हें पता। ये बावड़ी का पानी कितना लोग पीता है? कम से कम गांव एरिया के 50 से 60 जन पीते हैं, यूज करते हैं रोज। अभी ये पानी पीना भी बंद किया है आज? अभी आज तो बंद ही हो गया, सबका शॉर्ट हो गया, अभी कैसे यूज करेंगे? या फिर रात को कोई बैठता है क्या, चरस गांजा दारू वारू लेके बैठते है? अभी 2-3 बार एरिया के लोगों ने किया है कम्प्लेन, अभी उन लोगों को भी हम लोग सामने जाके लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकते, सब अपने अपने धंधे पानी वाले, लेडीज लोग बाहर नहीं निकल सकते ज्यादा। अजय, टाकीपाड़ा के बावड़े वहाँ पे खोपड़ी मिला, क्या इंसिडेंस हो गया और ये पानी कितना? असल में ऐसा था, हमारे गांव वाले पूरा मतलब इसका पानी कई सालों से वापर रहे, तो हर साल बावड़ी साफ करते है। तो आज मतलब बावड़ी में 2 बच्चे लोग उतारे थे, तो बच्चे लोग बावड़ी साफ कर रहे थे, तो अचानक एक थैली मिली अंदर, तो बावड़ी में थैली मिली, तो बच्चे लोग ने निकाले, चेक किए, तो उसके अंदर एक खोपड़ी थी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं था, पूरा मतलब साफ थी खोपड़ी। हो तो पूरे गांव में हल्ला मच गया इस चीज के लिए, तो गांव वाले लोग पूरे सब भाग भाग के जमा हुए, तो हम लोगों ने पुलिस को फॉर्म किए, पुलिस वगैरह सब आए तो लेके गए, तो इतने में सब हल्ला मच गया पूरा और गांव में पानी भरते। और असल में मसला ये है कि यहाँ पे रात को चरसी लोग बहुत ज्यादा बैठते, मसला मेन ये है, तो अगर चरसी लोग का कुछ करेंगे तो हम लोगों ने प्रशासन को बोल कार्रवाई किए, पर उसका हम लोग को कुछ मिला नहीं। पर कि आपके न्यूज के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारे गाँव के लिए कुछ फैसिलिटी हो तो अच्छा है, क्योंकि हम लोग पुलिस का मसला ऐसा है कि गांव में इससे पहले भी बहुत बार ये बावड़ी का मसला हो चुका है, ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार मसला ऐसा है, इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है बावड़ी के लिए, पर हम लोग ये पानी पीते, कई सालों से पानी पीते बावड़ी का, पर आपके न्यूज के माध्यम से मैं पुलिस को बोलना चाहता हूँ, थोड़ा इधर पे गौर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर